everyone, welcome to our channel. In this channel, you'll get detailed information about more than 3,000 courses, career options, and lot more information. Thus, to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑन द अनदर एपिसोड ऑफ करियर प्लानिंग। आपने ट्यून इन किया है सुरेन खबरी और मेरा नाम है शुभम सिंह। तो बचपन में या कभी तो हमने भी गार्डन जाकर जरूर खेला है और वहाँ का माहौल भी काफी अच्छा होता है, मगर ऐसा कोई बिना पेड़ों की जगह नहीं होगा। तो ये सब कौन करता है? एक एनवायरमेंटलिस्ट करता है, जिसका काम होता है हमारे एनवायरमेंट को बचाना। एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते आप इस दुनिया की ग्रीनरी को और किसी भी चीज से होने वाले इंसानों को या एनवायरमेंट को खराब होने से बचाएंगे। अगर आपको भी एक काम में इंटरेस्ट है तो आप इसमें करियर बना सकते हैं। तो चलिए धीरे धीरे जानते हैं इस करियर के बारे में और क्या होगा इस करियर में वो भी। तो पहले पता कर लेते हैं कि एक एनवायरमेंटलिस्ट है क्या। एनवायरमेंट एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी देश का, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज एक देश की इकोनॉमी की बैकबोन होती हैं। इनका प्राइमरी कंसर्न होता है कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन किस तरह से की जाए। आजकल के मॉडर्न टाइम पे एनवायरमेंटलिस्ट की डेफिनेशन रेन फॉरेस्ट पे लेक्चर या कार्बन छोड़ने वाली कंपनीज पर लेक्चर देना नहीं रहा। वो एक साइंटिस्ट के साथ स्टडी कर रहे हैं ग्लेशियर्स और सी लेवल्स के बढ़ने के बारे में, कोई लॉयर जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स या एक्टिविटीज जो बायोपायरेसी से लड़ रहे हैं, या वो जो एंटी एनवायरनमेंट पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के लिए वो सारे एनवायरमेंटलिस्ट कहलाते हैं। नेचर से प्यार हो तो आप भी एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। तो करते क्या है एनवायरमेंटलिस्ट? एक एनवायरमेंटलिस्ट को रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ सकती है एयर, सॉइल, वाटर या फूड के बारे में कि उसमें कोई मिलावट या अडल्ट्रेशन तो नहीं हो रही। रिस्क असेसमेंट करना होगा और एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि उस चीज का इकोसिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ सकता है। उससे प्रेजेंटेशंस भी देनी पड़ सकती हैं पॉलिसी मेकर्स को, अपने रिसर्च और टेक्निकल प्रपोजल्स भी लिखने होंगे। इसके लिए भी आपको बहुत से स्किल सेट्स चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन स्किल सेट्स के बारे में। पहला कि साइंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चन करना और एनालाइज करना भी आना चाहिए। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि लोगों को समझा सके, और आपको ग्लोबल पर्सनालिटी से भी बात करनी पड़ सकती है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ मस्ट। तीसरा अच्छी एनालिटिकल स्किल्स भी होनी चाहिए। फोर्थ हैंडल करना आना चाहिए, बड़ी इंडस्ट्रीज फूड वाटर लैंड और एग्रीकल्चर एनवायरमेंट के लिए जरूरी है, सो पॉलिसीज चेंज करके इन्हें बचाना भी आना चाहिए। Sometimes you might lose the battle, पर वो वॉर जीतने के लिए you have no option but to soldier on. ये frustrating हो सकता है, but you should have the skills to handle it. तो कैसे आगे बढ़े और कैसे करियर बनाए इसमें? आप कोई भी स्टडीज कर सकते हैं environmentalist बनने के लिए। 12th में सब्जेक्ट सिलेक्ट करने या कुछ जरूरत नहीं है। डिग्री environmental studies की आपको हेल्प कर सकती है। NGOs आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, आप उन्हें volunteer के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप काफी अच्छा कर रहे हैं अर्थ और लोगों के लिए, और ये सेटिस्फेक्शन इस काम से आपको मिलेगी। अगर आप एनवायरमेंटलिस्ट एज अ करियर परस्यू करते हैं तो ये एक तरह की समाज सेवा ही नहीं, पर इसमें आपको सैलरी भी अच्छी ऑफर होती है। तो बात करें सैलरी की, अर्ली सैलरीज की 2-3 लाख होती है, मिड सैलरी 5-6 लाख और सीनियर सैलरी रिवॉल्व करती है 10-12 लाख के बीच में। इसका एकेडमिक प्रेशर भी हाई रहेगा और जॉब प्रेशर भी हाई रहेगा। बात करें अगर करियर एलिजिबिलिटी की, तो आप एलिजिबल होने के लिए 12th स्ट्रीम साइंस रख सकते हैं। इसकी मिनिमम एज करने के लिए है 18 ईयर। इसका एकेडमिक प्रेशर हाई रहेगा और जॉब प्रेशर भी हाई रहेगा। इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 12th स्ट्रीम साइंस से होना जरूरी है, जिसकी मिनिमम एज है 18 ईयर्स। तो अगर आपके पास भी है रिलेवेंट स्किल्स एंड इंटरेस्ट, तो आप एनवायरमेंटलिस्ट एज करियर के बारे में सोच सकते हैं। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज करियर प्लानिंग एपिसोड। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और अपॉर्चुनिटी से भरे करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।